आप देख रहे हैं IMS Today। मैं हूं तानिशी और आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा सुर्खियों पर। इंदौर में NRI सम्मेलन का तीसरा दिन, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मेलन का समापन। स्पाईवेयर मामले में इजरायली कंपनी को नहीं मिली राहत, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए दी हरी झंडी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2023 की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। सेंसेक्स 60,000 के पार, बाजार में 3 सत्रों की गिरावट थमी। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप तैयारी का आज होगा आगाज। अब खबरें विस्तार से। इंदौर में चल रहे 7वें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर के सत्र में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे विदाई भाषण के साथ ही मेहमानों को प्रवासी भारतीय अवार्ड प्रदान करेंगी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मैसेजिंग ऐप का आरोप है कि उसके ऐप में स्पाई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर 1400 लोगों की जानकारियां जुटाई गई। परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को दी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा में इस बार 58,67,398 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्री और प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 60,743.31 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट सोमवार को थमी। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच का हिस्सा नहीं बन पाएंगे दोहरा शतक जमाने वाले ईशान किशन। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में शामिल, लेकिन अपनी खराब तबीयत की वजह से अभी खेलने के लिए फिट नहीं। और आज की पॉजिटिव खबर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आधिकारिक कार्यों में होगा हिंदी का उपयोग। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान कुलपति प्रोफेसर प्रकाश बंसल ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से सारे आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग किया जाएगा। उनका यह कदम हिंदी भाषा के उत्थान के लिए रहा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए IMS Today के साथ। धन्यवाद।